अब देखो यहां पे हम बात कर रहे हैं अभी किसके जेई एडवांस के पेपर वन की अच्छा अब देखो अगर हम फर्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो मैंने क्या बोला है केवल कैलकुलेशन को यहां पे लेंदी किया है जई ने और कुछ नहीं किया है जो हम फर्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन हमारा यूनिट एंड डायमेंशन पे क्या है बेस्ड है अब उसमें क्या बोला गया है उसमें बोला है उसमें बोला गया है अ डायमेंशन लेस क्वांटिटी इज कंस्ट्रक्टेड इन टर्म्स ऑफ तो so, वहां पे क्या किया गया है एक डायमेंशनलैस क्वांटिटी को क्या किया गया है कंस्ट्रक्ट किया गया है इन टर्म्स ऑफ इलेक्ट्रॉनिक चार्ज ई परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस एप्सलैन नॉट प्लैंक्स कॉन्स्टेंट एच स्पीड ऑफ लाइट सी इफ द डायमेंशनल क्वांटिटी इज रिटर्न एज ई की पावर अल्फा एप्सल नॉट की पावर बीटा एच की पावर गामा सी की पावर डेल्टा एंड एन इज अ नॉन जीरो इंटीजर देन अल्फा बीटा गामा एंड डेल्टा इज गिवन बाय तो क्वेश्चन में क्या करना है सबसे पहले तो हमें सबके डायमेंशनल फॉर्मूले मालूम होने चाहिए जैसे ई e क्या है ई e चार्ज है तो चार्ज का वहां पे क्या होता है चार्ज का हमें मालूम है चार्ज का डायमेंशनल फॉर्मूला होता है करंट इनटू टाइम अब नेक्स्ट हमें किसका मालूम होना चाहिए स्पीड ऑफ लाइट का स्पीड ऑफ लाइट का क्या होता है एल टी माइनस वन तीसरा हमें किसका मालूम होना चाहिए तीसरा हमें मालूम होना चाहिए प्लैंक्स कॉन्स्टेंट का अब होता क्या है कई बार हमें चीज रटी होती है नहीं रटी है तो हम क्या करेंगे प्लैंग जाएंगे ई इक्वल टू एच न्यू से ई e क्या था ई e एनर्जी थी फोटोन की एम एल टी माइनस टू एच न्यू का मतलब क्या होता है फ्रीक्वेंसी का मतलब वन बाय टी होता है तो एच क्या था एच था वहां पे एम एल टी माइनस वन नहीं सॉरी एम एल स्क्वायर टी माइनस वन एनर्जी है ना तो एनर्जी वर्क के बराबर है तो एम एल स्क्वायर टी माइनस टू एच की वैल्यू मिल गई नहीं मिल गई एम एल स्क्वायर टी माइनस वन फिर नेक्स्ट हमें किसका डाइमेंशनल फॉर्मूला मालूम होना चाहिए एप्सलन नॉट का अब एप्सलन नॉट का रटा तो नहीं रहता है तो फिर हम क्या करेंगे फॉर्मूले पे आएंगे फोर्स इक्वल्स टू वन अपॉन फोर पाई एप्सलन नॉट क्यू वन बाय आर स्क्वायर तो एप्सलैन नॉट का क्या हो जाएगा क्यू वन क्यू टू चार्ज है तो रिजल्ट हो जाएगा ए स्कवायर टी स्क्वायर फोर्स का क्या होता है एम एल टी माइनस टू रेडियस का क्या हो गया एल स्क् वन अपॉन फोर पाए क्या है कॉन्स्टेंट है तो एप्सलैन नॉट का डायमेंशनल फॉर्मूला क्या हो गया एम की पावर माइनस वन एल की पावर माइनस थ्री टी की पावर फोर इंटू स्क्वायर तो सबसे पहले तो हमें क्या करना है सबके डायमेंशनल फॉर्मुले लिख लेना है चेक कर लो सही है कि नहीं सही है एम की पावर माइनस वन एल की पावर माइनस थ्री टी की पावर फोर ए स्क्वायर तो पहले तो हमें ये डायमेंशनल फॉर्मूले मालूम होना चाहिए अब अगले स्टेप में हम क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करते क्वेश्चन तो में क्या बोला है e की पावर अल्फा तो e की पावर अल्फा का मतलब हो गया ए टी की पावर अल्फा फिर एप्सलैन नॉट m की पावर माइनस वन एल की पावर माइनस थ्री टी की पावर फोर ए स्क्वायर की पावर क्या हो गया बीटा h h का मतलब क्या हो गया m l स्क्वायर t माइनस वन की पावर क्या हो गया गामा देखो है कि नहीं वहां पर चार्ज की पावर अल्फा इसकी पावर बीटा एच की पावर गामा सी क्या हो गया एल टी माइनस वन की पावर क्या हो गया डेल्टा अब क्वेश्चन में क्या बोला गया है क्वेश्चन में बोला गया है कि इसको फॉर्म करके हमने बनाई डायमेंशन लेस क्वांटिटी डायमेंशन लेस क्वांटिटी का मतलब होता है वन एम की पावर जीरो एल की पावर जीरो टी की पावर जीरो ए की पावर जीरो सबकी पावर वहां पे क्या होगी जीरो होगी हमें क्या करना है इन सबको बेसिकली इक्वेट कर देना तो पहले क्या बनेगा पहले बनेगा एम की पावर माइनस बीटा प्लस गामा फिर आएंगे एल की पावर माइनस थ्री बीटा प्लस क्या हो गया माइनस थ्री बीटा प्लस टू गामा प्लस डेल्टा फिर टी की पावर क्या होगी टी की पावर हो जाएगी अल्फा प्लस हो गया फोर बीटा माइनस गामा माइनस डेल्टा देखो एक ही नहीं वहां पे अल्फा प्लस फोर बीटा प्लस माइनस क्या हो गया गामा माइनस डेल्टा और लास्ट में क्या आ गया ए ए की पावर क्या हो जाएगी अल्फा प्लस टू बीटा देखो है कि नहीं वहां पे। अब क्वेश्चन में क्या बोला गया है क्वेश्चन में हमें किसकी वैल्यू बतानी है क्वेश्चन में वैल्यू बतानी है अल्फा बीटा फिर गामा फिर डेल्टा इनकी वैल्यूज हमें वहां पे क्या करनी है बतानी है तो सबसे पहले इक्वेशन क्या लिखी तुमने सबसे पहले इक्वेशन लिखी गामा माइनस बीटा इक्वीरो नेक्स्ट इक्वेशन क्या होगी माइनस थ्री बीटा प्लस टू गामा प्लस डेल्टा इक्वल्स टू ज़ीरो नेक्स्ट क्या हो जाएगा अल्फ़ा प्लस फोर बीटा माइनस गामा माइनस डेल्टा इक्वल्स टू ज़ीरो और लास्ट में क्या आएगा अल्फ़ा प्लस टू बीटा इक्वल्स टू ज़ीरो हमें क्या करना है हमें इन क्वेश्चन को सॉल्व नहीं करना है हम क्या करेंगे ऑप्शन में जाके चेक करेंगे तो सबसे पहला हमें क्या रिलेशन दिखाई दे रहा है कि गामा इक्वल टू बीटा यानी गामा और बीटा की वैल्यू वहां पे क्या होनी चाहिए सेम होनी चाहिए अब गामा और बीटा की वैल्यू अगर सेम देखोगे तो बी ऑप्शन हो नहीं सकता डी ऑप्शन हो नहीं सकता तो अब कौन से दो ऑप्शन हो सकते हैं या तो ए हो सकता है या फिर क्या हो सकता है सी हो सकता है अब मान लो अगर हम ये मान लें कि गामा बीटा की वैल्यू क्या है माइनस एन है अगर गामा बीटा की वैल्यू क्या है माइनस एन है तो रिजल्ट क्या हो जाएगा अल्फा माइनस टू एन इक्वल टू जीरो तो अल्फा इक्व टू क्या आ जाएगा टू एन हो जाएगा वहां पे तो जो करेक्ट ऑप्शन हमें दिख रहा है वहां पे वो हमें दिख रहा है ए तो बेसिकली अगर इस क्वेश्चन को देखोगे तो क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट तो ईजी है कि भाई पावर को हमें किसके बराबर इक्वेट कर देना है जीरो के बराबर इक्वेट कर देना है लेकिन कैलकुलेशन जो है वो यहाँ पे क्या है टाइम कंज्यूमिंग है तो ये हमारा वहाँ पे क्या था फर्स्ट क्वेश्चन था अब हम बात करते हैं वहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन अच्छा अब अगर तुम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करोगे तो जो नेक्स्ट क्वेश्चन है ना वो अगेन वहाँ पे क्या है कैलकुलेशन है और जब भी कोई स्टूडेंट इस क्वेश्चन को देखेगा तो सबसे पहले उसको यही समझ में आएगा कि यहाँ पे हमें इंटीग्रेशन क्या करना है अप्लाई करना है दूसरा मेथड भी हो सकता है क्वेश्चन को सॉल्व करने का लेकिन जो सबसे पहला हमारा दिमाग जाएगा वो जाएगा कि हमें इस क्वेश्चन को क्या करना है इंटीग्रेशन से सॉल्व करना है अब क्वेश्चन क्वेश्चन में में क्या बोल रहा है? में बोल रहा रहा है 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 कि एक वायर है और हमें मालूम है ये प्रॉपर्टी वहां पे कि अगर ये लॉन्ग वायर है इससे अगर करंट पास कर रहा है अगर कोई लॉन्ग वायर है जिससे करंट क्या हो रहा है ऊपर की ओर पास कर रहा है तो इसकी जो भी मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स होती है वो कोसेंट्रिक सर्कल होती है तो पहला जो कॉन्सेप्ट इन्वॉल्व है वो यहां पे क्या इन्वॉल्व है कि अगर करंट ऊपर की ओर जा रहा है तो लाइंस ऑफ फोर्स वहां पे क्या होगी कोसेंट्रिक सर्कल होगी अब क्वेश्चन में क्या बोला गया है कि जो वायर है अगर इसको हमने एक्स एक्सिस पकड़ा है इसको वाई और इसको यहां पर जेड तो क्वेश्चन में क्या बोल रहा है क्वेश्चन में बोल रहा है कि हमारे पास एक लॉन्ग वायर है जिसको हमने पॉजिटिव z एक्सिस के अलॉन्ग क्या किया है प्लेस किया है तो अब यहां पे एक चीज समझो कि अगर मान लो कोई ऑब्जर्वर ऊपर से देख रहा है अगर कोई ऑब्जर्वर ऊपर से देख रहा है तो उसको करंट ऐसा बाहर की ओर दिखाई देगा और उसको लाइंस ऑफ फोर्स यहां पे क्या होगी इस तरह से वहां पे एंटी क्लॉकवाइज दिखाई देगी तो सबसे पहले हम डायग्राम ड्रॉ करते हैं वहां हमें डायग्राम क्या ड्रॉ करना है हमें डायग्राम ड्रॉ करना है सबसे पहले यहां पे एक वायर का ये वायर है ये वायर को हमने Z एक्सिस के अलॉन्ग प्लेस किया है डॉट का मतलब है करंट कहां जा रहा है बाहर की ओर जा रहा है अब करंट अगर बाहर की ओर जा रहा है तो ये X एक्सिस है ये हमारी y एक्सिस है वहां पे और ये हमारी क्या है z है अब हमें मालूम है कि जो भी लाइंस ऑफ फोर्स रहेगी उसका पैटर्न यहां पे इस तरह से अब देखो जो भी लाइंस ऑफ फोर्स है उसका पैटर्न तो यहां पे क्या दिया गया है यहां पे दिया गया है एंटी क्लॉकवाइज। अब क्वेश्चन में क्या बोल रहा है क्वेश्चन में बात कर रहा है किसकी इंटीग्रल की किसकी बात कर रहा है लाइन इंटीग्रल हमें देखना है किसका बी डॉट डी एल का और उसकी वैल्यू हमें क्या करनी है फाइंड आउट करनी है तो एक क्वेश्चन एक जो तरीका है क्वेश्चन को सॉल्व करने का वो एम्पेयर लॉ से भी होता है वहां पर लेकिन सबसे पहले जो दिमाग में आता है वो यही आता है कि इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा इंटीग्रेट करना पड़ेगा अब हमें कहाँ से कहां जाना है तो क्वेश्चन में ध्यान रखना है कि क्वेश्चन में क्या बोल रहा है जेड कोऑर्डिनेट जीरो है तो माइनस थ्री ए ए यानी एक्स कॉर्डिनेट कहाँ है एक्स कॉर्डिनेट है इसका माइनस थ्री ए तो यहां पे इसका x कॉर्डिनेट माइनस थ्री ए होगा यहां पे क्या होगा a होगा तो हमें मूव कहां से कहां करना है तो मान लो यहां पे एक पॉइंट है P, तो हमें P पॉइंट से चलना है किस पॉइंट की ओर चलना है तो जो दूसरा पॉइंट दिया है उसका x कोऑर्डिनेट a है y कोऑर्डिनेट भी क्या है a है तो यहां कहीं होगा उसका तो एक्स कोऑर्डिनेट ए वाई कोऑर्डिनेट ए तो बेसिकली जो हम मूव कर रहे हैं हम मूव कर रहे हैं पॉइंट पी से क्यू के ओर और पॉइंट पी से क्यू की ओर मूव कर रहे हो तो बेसिकली हम ऐसा स्ट्रेट मूव कर रहे हैं कि नहीं मूव कर रहे वहां पर अब जब हम स्ट्रेट मूव करेंगे तो हमें सबसे पहले यह चेक करना है कि जब हम बी डॉट डीएल को इंटीग्रेट करेंगे तो एंगल का क्या होगा तो यहां पे क्या समझो इस तरह से पकड़ो सबसे पहले तो एंगल निकाल लो जरा एंगल अगर निकालने जाओगे तो चेक करो ये जो एंगल आएगा ये एंगल तुम्हारा 45 डिग्री हो जाएगा वहां पे और अगर हम इस एंगल पे आएंगे तो ये जो एंगल रहेगा रूट थ्री ए अपॉन ए ये कितना 60 डिग्री होगा कि नहीं वहां पे तो बेसिकली इस साइड जो एंगल बन रहा है 60 डिग्री बन रहा है और इस साइड जो एंगल बन रहा है वो कितना बन रहा है 45 डिग्री बन रहा है अब हमें क्या करना है हमें तो कैलकुलेट करना है b.dl वहां पे तो सबसे पहले यहां पे क्या करो इस पॉइंट पे आ जरा मान लो यहां पे हमने कोई पॉइंट लिया कितने डिस्टेंस पे यहां पे हमने कोई पॉइंट लिया x डिस्टेंस अब ये जो x डिस्टेंस पे हमने जो पॉइंट लिया है वो यहाँ पे कुछ एंगल बना रहा होगा कि नहीं बना रहा होगा और इस एंगल को हम नाम दे देते हैं थीटा वहाँ पे अब ध्यान रखना है अगर हमने वहाँ पे इसको x बोला है इसको a बोला है तो चेक कर लो वहाँ पे ये एंगल थीटा बोला है हमने तो हम यहाँ पे रिजल्ट क्या यूज कर सकते हैं रिजल्ट यूज कर सकते हैं वहाँ पे पहले तो यूज कर सकते हैं साइन थीटा की ये डिस्टेंस यहां से यहां तक का क्या मान लो आर मान लो तो हम एक लिख सकते हैं साइन इक्वल टू ए बाय आर नहीं साइन थीटा हो जाएगा ए नहीं होगा ये हो जाएगा एक्स बाय आर और टेन थीटा की अगर बात करेंगे तो टेन थीटा हो जाएगा एक्स बाय ध्यान रखना है यहां से लेके यहां तक का जो डिस्टेंस है वो ए है वहां पर तो ट्राइंगल में अगर देखोगे तो ये डिस्टेंस ए है ये डिस्टेंस वहाँ है, ये डिस्टेंस डिस्टेंस पे पे एक्स है है आर अब नेक्स्ट रिजल्ट हमें क्या ध्यान रखना है कि अगर वायर इस तरह से प्लेस किया गया है तो मैग्नेटिक फील्ड कैसी होगी अगर वायर ऐसा प्लेस किया गया है तो मैग्नेटिक फील्ड वहां पे एंटी क्लॉकवाइज होगी तो इस पॉइंट पे अगर देखोगे तो मैग्नेटिक फील्ड अलोंग द टेंजेंट होगी कि नहीं होगी वहां पर और हमें मालूम है जब भी हम मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट करते हैं तो मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेट वायर के कारण क्या होती है नॉट आई अपॉन टू पाई डी डी वहां परुलर डिस्टेंस होता है तो यहां परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना है म्यू नॉट आई अपॉन टू पाई आर है वहां अब दूसरी चीज क्या समझनी है दूसरी चीज समझनी है B डॉट डीएल तो B तो वहां पे क्या है उस इंस्टेंट मैगटिक फील्ड है और dl क्या है स्मॉल अमाउंट का डिस्प्लेसमेंट तो स्मॉल अमाउंट का अगर तुम डिस्प्लेसमेंट देखोगे तो वो dl होगा कि नहीं होगा वहां पे? देखो है कि नहीं वहां पे? तो यहां पे अगर जाओगे तो ये तुम्हारा बेसिकली B है ये तुम्हारा वहां पे क्या है DL है और ध्यान रखना है ये एंगल थीटा ये 90 ये 90 माइनस थीटा तो ये एंगल वहां पे थीटा होगा तो ये एंगल वहां पे पाए माइनस थीटा होगा देखो है कि नहीं वहां पे अब हमें क्या करना है पहले तो हमें कंस्टर करना है बी डॉट डी तो बी डॉट डी का मतलब क्या होता है बी DL कॉस बाय माइनस थीटा अब बताओ कॉस 180 एटी माइनस थीटा क्या होता है वहां पे तो ये जो एंगल है ये एंगल बेसिकली क्या है सेकंड क्वाड्रेंट में होगा वहां पे कॉस की वैल्यू नेगेटिव होगी तो ये यहां पे हो जाएगा माइनस बी डी एल अब हमें क्या करना है हमें यहां पे अभी इसको इंटीग्रेट करना है हमें इस फंक्शन को वहां पे क्या करना है इंटीग्रेट करना है है ना अब इंटीग्रेट करोगे तो वैल्यूज हमें केवल चेक करनी है वैल्यूज हमें कहां से कहां लेनी है वहां पे तो यहां पे अगर जाओगे तो b का मतलब क्या हो गया b का मतलब हो गया म्यू नॉट i अपॉन टू फाई आर अब ध्यान ना dl वहां पे स्मॉल अमाउंट का डिस्प्लेसमेंट है तो DL को हम वहां पे प्लस DX से रिप्लेस करेंगे क्योंकि X वहां पे क्या कर रहा होगा इंक्रीज कर रहा होगा तो वहां पे DL की जगह वहां पे क्या प्लेस कर दें DX इंटू क्या हो जाएगा कॉस थीटा देखो है कि नहीं वहां अब अगर यहां पे देखोगे तो क्या क्या चीजें वेरी कर रही हैं तो हमें मालूम है आर यहां पे वेरिएबल है थीटा वहां पे क्या है वेरिएबल है लेकिन ए क्या है कांस्टेंट है तो बताओ आर की जगह पहले हम क्या पुट करें वहां पे तो आर की जगह सबसे पहले हम क्या लिख दें वहां पे आर की जगह बताओ हम एक्स और कॉस थीटा लेने जाएंगे तो वहां पर तो देख लेना थीटा क्या होता है कॉस थीटा होता है बेस अपॉन हाइपोटेनियस तो सबसे पहले जब हम इंटीग्रेट करने जाएंगे तो माइनस म्यू नॉट आई अपॉन टू पाई आर की जगह हम क्या पुट करेंगे आर की जगह पुट करेंगे ए बाय थीटा देखो Into, यहाँ है कि नहीं वहां पे इनटू यहां कॉस थीटा है अब क्या चीज हमें नहीं मालूम है डीएक्स नहीं मालूम तो को हम एलिनेट कर सकते हैं और डीएक्स को कैसे एलिनेट करेंगे थीटा है इसको अगर हम थीटा के साथ करें तो डीएक्स बाई डी थीटा क्या होगा ए टेन थीटा का क्या हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा तो dx की जगह हम पुट कर सकते हैं a सेक स्क्वायर थीटा इंटू क्या हो गया d थीटा वहां अब वहां पे अगर हम कैलकुलेशन करें अब रिजल्ट क्या निकल के आ गया रिजल्ट निकल के आ गया माइनस म्यू नॉट आई अपॉन टू पाए ए से ए क्या हो गया कैंसल आउट हो गया सेक स्क्वायर थीटा हो गया वन अपॉन कॉ स्क्वायर थीटा तो ये भी क्या हो गया कैंसिल आउट हो गया और इंटीग्रेशन में केवल क्या आएगा इंटीग्रेशन में आएगा केवल डी थीटा हमें केवल क्या करना है हमें केवल लिमिट्स को वहां पे क्या करना है पुट करना है मान लो यहां पे हम जा रहे हैं अब या तो हम सीधे पुट करें 60 से 45 या फिर हम क्या करें पहले यहां पे थीटा हमने ऐसे मेजर किया है तो यहां पे थीटा हम जाएं जीरो से लेके 45 तक और दूसरी बार हम इंटीग्रेट करें जीरो से लेके सिक्सटी लेकिन फिर वहां पर साइन देखना पड़ेगा तो पहली बार अभी हम इस साइड से इस साइड का लेते हैं तो हम क्या लिखें जीरो से फोर्टी फाइव देखो है कि नहीं वहां बेसिकली क्या करना है अब हमें लिमिट्स को वहां पे क्या कर देना है प्लेस कर देना है तो यहां पे अगर देखोगे जीरो से फोर्टी फाइव या फिर हम इसको बोलते हैं जीरो से पाई बाय फोर तो है ना या फिर लिमिट चेक करो अगर हम इसको पॉजिटिव मान रहे हैं फिर इसको वहां पे नेगेटिव तो ऐसे करके इंटीग्रेट करना है तो बेसिकली यहाँ पे जब इंटीग्रेट करोगे तो वैल्यू क्या निकल के आएगी माइनस म्यू नॉट आई अपॉन टू पाए वैल्यू हो जाएगी डी थीटा का थीटा वो हो जाएगा पाए बाय फोर पाए से पाए कैंसिल आउट होगा तो रिजल्ट आ जाएगा माइनस म्यू नॉट आई अपॉन क्या हो गया एट ये तो इस पार्ट के लिए हुआ अब जो दूसरा पार्ट रहेगा दूसरे पार्ट के लिए अगर हम इंटीग्रेट करने जाए और ध्यान रखना सभी केस में अगर देखोगे तो वो चीज ऐड ही होगी क्योंकि यहां पे अगर जाओगे कोई पॉइंट लोगे तो यहां पे भी ऐसा होगा डिस्प्लेसमेंट ऐसा होगा क्योंकि हम इस डायरेक्शन में क्या कर रहे हैं मूव कर रहे हैं तो वहां पे जब एंगल निकालोगे ना तो एंगल पाए माइनस थीटा ही वहां पे क्या हो रहा होगा हमारा चल रहा होगा देखो है कि नहीं वहां पे तो जब भी हम इंटीग्रेट करेंगे वो टर्म हमारी वहां पे क्या होगी एडी होगी तो रिजल्ट क्या हो जाएगा माइनस म्यू नॉट आई अपॉन क्या हो गया टू पाए डी थीटा का हो गया थीटा अब इसकी वैल्यू हम कहां से कहां जाएंगे वहां पे अब ध्यान रखना है अभी हमने इस एंगल को पॉजिटिव माना है तो इसको वहां पे क्या मानना पड़ेगा नेगेटिव मानना पड़ेगा तो इसको हम इंटीग्रेट कर दें कहां से कहां तक जीरो से भाई हम इधर से इधर जा रहे हैं तो हम इसको जीरो से क्या कर दें पाई बाय थ्री कर दें वहां पे तो रिजल्ट क्या हो जाएगा रिजल्ट हो जाएगा माइनस म्यू नॉट आई बाय टू इंटू बाय थ्री तो ये हो जाएगा माइनस म्यू नॉट आई अपॉन क्या हो गया सिक्स अब ध्यान ना ये दोनों ही टर्म वहां पे ऐड होगी साइन जो रहेगा साइन क्या बता रहा है बी और डी के बीच का एंगल क्या है ग्रेटर देन 90 है तो इसलिए वैल्यू क्या होगी नेगेटिव आ रही होगी हमें साइन से मतलब नहीं है तो म्यू नॉट आई ये हो जाएगा वन बाय सिक्स वन बाय एट तो ये हो जाएगा म्यू नॉट आई सिक्स और एट कितना हो गया फोर्टीन बाय फोर्टी एट तो म्यू नॉट आई टू टू जा क्या हो गया फोर्टीन और फिर यहां पे हो गया ट्वेंटी फोर तो म्यू नॉट आई सेवन म्यू नॉट आई बाई ट्वेंटी फोर तो यही हमारा वहां पे क्या था करेक्ट ऑप्शन तो अगर क्वेश्चन को अगर देखोगे तो ये क्वेश्चन वहां पे क्या था लेंदी था वहां अब जब हम थर्ड क्वेश्चन की बात कर रहे हैं तो थर्ड क्वेश्चन यहां पे क्या था अब एक चीज़ अच्छी है कि इस बार क्या है सिंपल हार्मोनिक मोशन के दो क्वेश्चन पूछे गए तो क्वेश्चन नंबर अगर थ्री देखोगे क्वेश्चन नंबर फोर देखोगे तो अगेन दोनों में सिंपल हार्मोनिक मोशन का क्या है कॉन्सेप्ट लग रहा है अब जो क्वेश्चन नंबर थ्री है क्वेश्चन नंबर थ्री में क्या बोला गया है क्वेश्चन नंबर थ्री में बोला गया है कि हमारे पास अब जो क्वेश्चन है जो क्वेश्चन है क्वेश्चन में क्या बोल रहा है वहां पे दो बीट्स हैं दोनों बीट का मास m है दोनों का चार्ज क्या है क्यू है और दोनों बीट को हमने किस पे लाके प्लेस किया गया है किस पे प्लेस किया गया इसको प्लेस किया गया है रिंग पे तो बेसिकली जो दोनों बीट्स हैं दोनों बीट्स रिंग से क्या कर रही हैं पास कर रही हैं और ये रिंग वर्टिकल प्लेन में नहीं है ये रिंग हमारी हॉरिजॉन्टल प्लेन में तो क्वेश्चन में क्या बोल रहा है टू बीट्स ईच विथ चार्ज क्यू एंड मास एम आर ऑन अ हॉरिजॉन्टल फ्रिक्शनलेस नॉन कंडक्टिंग सर्कुलर लूप ऑफ रेडियस आर वन ऑफ द बीड इज ग्लूड टू द्वार टू दूप एट समय में क्या बोल रहा है कहीं पे एक पे हमने बीड को क्या कर दिया है ग्ल्यू कर दिया तो वो बीड वहां पे अब जो दूसरी बीड है वो बीड हमारी क्या है दूसरी बीड कहीं पे है लेकिन वो बीड वहां पे मूवेबल है तो क्वेश्चन में क्या बोल रहा है वहां पे वन ऑफ द बीड इज ग्ल्यूड एट द हु पॉइंट वाइल द अदर वन

दूसरी बीड जो है वो तुम्हारी यहां कहीं होनी चाहिए अब बताओ दूसरी बीड अगर यहां कहीं होगी तो ये बीड इसके ऊपर इस डायरेक्शन में क्या कर रही होगी कुछ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स अप्लाई कर रही होगी है ना अब इस इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के कारण बीड बाहर जाने की कोशिश करेगा तो रिंग इस बीड के ऊपर क्या करेगी नॉर्मल कर. अप्लाई और ये अगर वहां पे क्या है इसका सर्कल का सेंटर है बीड का तो हमें मालूम है कि इस पॉइंट के अबाउट अगर देखोगे तो एन और एफ दोनों का टॉर्क वहां पे क्या है जीरो है अब ध्यान है क्वेश्चन में क्या बोल रहा है इसको स्मॉल एंगल से वहां पे क्या किया गया है डिस्प्लेस किया गया तो कुछ टाइम बाद ये बीड हमारी यहां कहीं आ गई और इसको हमने कितने एंगल से डिस्प्लेस कर दिया है इसको हमने स्मॉल इस एंगल थीटा से क्या किया है डिस्प्लेस किया है अब जैसे हम इसको थीटा एंगल से डिस्प्लेस करेंगे तो ये इसके ऊपर इस डायरेक्शन में क्या करेगी फोर्स लगाएगी देखो है कि नहीं वहां पे और यही फोर्स वहां पे क्या करेगा रिस्टोरिंग टॉर्क प्रोवाइड करेगा जिसके कारण ये बीड क्या होगी वापस आएगी अब प्रॉपर्टी हमें क्या यूज करनी है ये एंगल और ये एंगल वहां पे हमारा क्या होगा सेम होगा क्योंकि ये हमारा आइसोसलेस ट्रायंगल है कि नहीं है इसका रेडियस अगर आर है तो इसका रेडियस भी यहां पे कितना है आर है और हमें रिजल्ट मालूम है कि जो भी एक्सटीरियर एंगल होता है वो टू इंटीरियर एंगल होता है तो ये एंगल वहां पे क्या है थीटा बाय टू है और ये एंगल भी वहां पे क्या है थीटा बाय टू है अब सबसे पहले हमें क्या कैलकुलेट करना है सबसे पहले हमें कैलकुलेट करना है फोर्स तो यहां से इस पर क्या करो परपेंडिकुलर ड्रॉ करो और मान लो ये डिस्टेंस हमारा कितना है x है देखो है कि नहीं वहां पे तो सबसे पहले हमें x कैलकुलेट करना है तो रिजल्ट क्या होगा रिजल्ट होगा कॉस थीटा थीटा देता है बेस अपॉन हाइपोटेनियस तो जो भी x है एक्स की वैल्यू वहां पे जो भी एक्स रहेगा एक्स की वैल्यू आर कॉस थीटा बाई टू है कि नहीं वहां पे तो जो एफ डैश लगने वाला होगा वो हो जाएगा k डैश कॉन्स्टेंट क्यू वन क्यू टू बाय आर स्क्वायर आर स्क्वायर मतलब ध्यान रखना ये एक्स है ये एक्स है तो ये हो जाएगा टू एक्स का स्क्वायर तो ये हो जाएगा 4 आर स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा बाय 2 ध्यान रखना आप अच्छा जब हम नॉर्मल की बात करेंगे तो इस पॉइंट पे जो नॉर्मल आएगा वो नॉर्मल तो अभी भी कहां से पास कर रहा होगा सेंटर से पास कर रहा होगा इसका मतलब ये हुआ कि ये जो नॉर्मल है ये नॉर्मल का इस पॉइंट के अबाउट कोई टॉर्क नहीं है अब टॉर्क केवल किसका बन रहा है f डश का बन रहा है अब कैसे कैलकुलेट करें तो यहां पे इस लाइन को तुम क्या करो एक्सटेंड कर दो। हैं मालूम है कि इस लाइन को अगर हम एक्सटेंड करेंगे तो ये एंगल भी कितना होगा थीटा बाय टू होगा देखो है कि नहीं वहां पे? और ये जो फोर्स है ये फोर्स यहां पे एफ डैश है कि नहीं वहां पे? तो एफ डैश का ये जो कंपोनेंट आएगा इस डायरेक्शन में वो आएगा एफ कॉस थीटा बाई टू और इस फोर्स का अगर एक कंपोनेंट रेडियस के अलोंग है तो दूसरा कंपोनेंट टेंजेंट के अलोंग होगा और वो होगा एफ डैश साइन थीटा बाय टू अब बताओ इस पॉइंट के अबाउट अगर टॉर्क देखेंगे तो टॉर्क किसका बनेगा टॉर्क एफ डैश साइन थीटा बाय टू परपेंडिकुलर डिस्टेंस यहां से यहां तक का कितना होगा आर होगा अब हमें मालूम है कि एंगल स्मॉल है एंगल स्मॉल है तो कॉस थीटा वन बनता है और साइन थीटा क्या बन जाता है थीटा बन जाता है तो जो भी टॉर्क रहेगा उसकी इक्वेशन क्या आ जाएगी के डैश क्यू स्क्वायर बाय हो जाएगा फोर आर स्क्वायर ये वाली टर्म वहां पे क्या बन गई वन साइन थीटा बाय टू ये आर साइन थीटा बाय टू क्या बन जाएगा थीटा बाय टू देखो है कि नहीं हुआ अब यहां से हम क्या बोलेंगे यहाँ से हम बोलेंगे जो भी री टॉर्क है वो कितना हो गया वो हो गया के डैश क्यू स्क्वायर बाय एट आर इन थीटा अब ध्यान टॉर्क इसको वापस लेके आ रहा है तो थीटा एंटी क्लॉकवाइज है तो टॉर्क क्या है क्लॉकवाइज है तो साइन अपनी तरफ से क्या लगा दो नेगेटिव तो टॉर्क और थीटा ऑपोजिट है टॉर्क किस पे डिपेंड कर गया थीटा पे तो यहाँ से हम बोलेंगे मोशन हमारा क्या है

डैश की वैल्यू पुट करोगे वन अपॉन फोर पाएसलैन नॉट फोर इंटू एट क्या हो गया थर्टी टू तो अब जो करेक्ट आंसर आएगा वो आएगा क्यू स्क्वायर थर्टी टू पाए नॉट इंटू आर एक बार चेक करना आर वाली वैल्यू कहीं पे एक बार चेक कर लो वहां पे आर पे कहीं पे हम गलत हो रहे हैं एक्चुअली क्योंकि जो रिजल्ट आएगा वो थर्टी टू पाए नॉट आर क्यूब एम होगा वहां पे तो एक बार चेक करो कॉस थीटा हो गया एक्स बाय आर है ना एक्स की वैल्यू हो जाएगी यहां पे आर क्यूब टॉर्क क्या हो गया फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्योंकि बाकी चीजें सही हैं क्वेश्चन में गलत कहां हो रहा है वहां पे एक बार चेक करो जरा वैल्यूज को अच्छा हम्म समझ में आ गया कहां पे गड़बड़ हो रहा है जो डैश रहेगा नट एक ना टेक। भाई जो ट रहेगा एक मिनट जब यहां पे हम बात कर रहे हैं एंगुलर एस एच एम की तो हमें मालूम है कि जो टॉर्क रहेगा वो किसके बराबर होगा के थीटा के बराबर के की वैल्यू होती है आई ओमेगा स्क्वायर तो आई क्या होता है एम आर स्क्वायर इंटू क्या हो गया ओमेगा स्क्वायर भाई जो भी कांस्टेंट रहेगा वो के डैश क्यू स्क्वायर बाई एट आर उसको हम किसके लिखेंगे आई ओमेगा स्क्वायर के आई मोमेंट ऑफ एनर्जी है और इस एक्सिस के अबाउट जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया रहेगा वो एम आर स्क्वायर रहेगा तो ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू क्या हो जाएगी Q स्क्वायर बाय की वैल्यू पुट करो ये क्या था वन अपॉन फोर एप्सिलॉन नॉट फोर तो क्या हो जाएगा थर्टी टू पाए एपस नॉट एक्चुअली तो थर्टी टू पाएसैन नॉट एम आर क्यूब क्यू स्क्वायर अपऑन एम आर स्क्वायर थर्टी टू पाई एप्स जो करेक्ट ऑप्शन था वो हमारा वहां पे क्या था बी था तो देख रहे हो गे समझ में आ रहा है कि क्वेश्चन को सॉल्व करने में टाइम लग रहा है तो जो पेपर है पेपर में कॉन्सेप्ट concept, कॉन्सेप्चुअल है लेकिन जो कैलकुलेशन है वो हमारे क्या है लेंथी है फिर आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे अगर हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो वो भी अगेन किसका है सिंपल हार्मोनिक मोशन का अब देखो अगर इस क्वेश्चन की बात करें तो ये क्वेश्चन थोड़ा सा वहां पे क्या है इजी है इजी इन द सेंस क्या है कि क्वेश्चन में क्या बोल रहा है क्वेश्चन में बोल रहा है कि जो पार्टिकल है पार्टिकल का मास वहां पे कितना दिया है फाइव के जी दिया पार्टिकल मूव कर रहा है अंडर द इंफ्लुएंस ऑफ फोर्स और फोर्स कितना दिया है माइनस ट्वेंटी एक्स प्लस क्या हो गया टेन न्यूटन इसका मतलब है फोर्स वहां पे क्या कर रहा है वेरी कर रहा है फिर जो भी फोर्स है फोर्स एक्स के साथ वेरी कर रहा है एक्स मीटर में है टीवस टू जीरो पे टी क्वस जीरो सेकेंड पे पार्टिकल रेस्ट में और ये कहां पे वन मीटर पे तो डायग्राम ड्रॉ करो पहले तो पहले ये हो गई एक्स एक्सिस ये हो गई हमारी वाई एक्सिस अब क्वेश्चन में क्या बोल रहा है जिस टाइम पे एक्सपेरिमेंट स्टार्ट हो रहा है उस टाइम पे पार्टिकल कहां पे है तो उस टाइम पे पार्टिकल x इक्वल टू वन मीटर पे अच्छा ये भी क्वेश्चन में गिवन है कि जब पार्टिकल x इक्वल टू वन मीटर पे है तो पार्टिकल की वेलोसिटी क्या है जीरो और पार्टिकल की वेलोसिटी अगर जीरो है तो इसका मतलब है कि इस पोजीशन को वहां पे हम एक्सट्रीम पोजीशन बोल सकते हैं अभी हमें नहीं मालूम है कि मोशन एसएचएम है कि नहीं है लेकिन एक्सट्रीम पोजीशन मान सकते हैं जीरो होती, है? होती है अच्छा अब एक्स की वैल्यू वन पुट करो अगर इस इक्वेशन में एक्स की वैल्यू वन पुट करोगे तो जो फोर्स आता है वो फोर्स नेगेटिव आता है देखो एक ही नहीं यहां पाए इसका मतलब है कि इस पार्टिकल पे जो भी रीस्टोरिंग फोर्स लग रहा है वो रीस्टोरिंग फोर्स कहां लग रहा है लेफ्ट की ओर लग रहा है अब मीन पोजिशन निकालते हैं तो हमें मालूम है मीन पोजिशन क्या होती है मीन पोजिशन वो पोजिशन होती है जहां पे नेट फोर्स क्या होता है जीरो होता है तो आप सबसे पहले वहां पे क्या कर दो नेट फोर्स को जीरो कर दो माइनस ट्वेंटी एक्स प्लस टेन की टू जीरो निकल के आ गई हाफ मीटर तो यहां पे x की वैल्यू कितनी हो गई हाफ मीटर और मीन से एक्सट्रीम के बीच का जो डिस्टेंस रहता है उसको वहां पे हम एम्पलीट्यूड बोलते हैं है. तो जो भी एम्पलीट्यूड है वो एम्पलीट्यूड यहां पे कितना आ गया हाफ मीटर आ गया अब अगले स्टेप में हमें क्या करना है हमें हाँ मालूम है जैसे ही एक्स की वैल्यू हाफ होगी फोर्स वहां पे क्या हो जाएगा जीरो हो जाएगा लेकिन एक्स की वैल्यू अगर हम छोटी कर दें एक्स की वैल्यू मान लो हमने पॉइंट टू पुट कर दी तो माइनस ट्वेंटी इंटू पॉइंट फोर क्या हो गया एट फिर फोर्स अपना डायरेक्शन क्या कर लेगा चेंज कर लेगा इसका मतलब है कि जब एक्स इक्वल टू वन बाई टू को क्रॉस करेंगे तो फोर्स अपना डायरेक्शन वहां पर क्या करेगा चेंज करेगा अब किसी टाइम पे पार्टिकल यहां कहीं है और हमें मालूम है जब भी हम डिस्प्लेसमेंट मेजर करते हैं डिस्प्लेसमेंट हमेशा मेजर करते हैं फ्रॉम मीन पोजिशन तो मान लो इसके डिस्प्लेसमेंट कितना है वाई और ध्यान रखना है यहां से यहां तक के बीच का डिस्टेंस कितना है x रिलेट करोगे तो x की वैल्यू बताओ हाफ प्लस y होगी कि नहीं होगी ये डिस्टेंस हाफ है ये डिस्टेंस वाई है तो एक्स हो गया हाफ प्लस वाई तो इसका मतलब ये हुआ कि नहीं हुआ कि जो रिजल्टेंट फोर्स है रिजल्टेंट फोर्स में लिखो माइनस ट्वेंटी एक्स की जगह वन बाय टू प्लस वाई प्लस टेन अब बताओ इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो यहां पे अंदर जाएगा माइनस टेन प्लस टेन कैंसिल आउट होगा रिजल्ट निकल के आएगा माइनस ट्वेंटी वाई अब बताओ फोर्स और डिस्प्लेसमेंट ऑपोजिट है फोर्स किस पर डिपेंड कर गया डिस्प्लेसमेंट के लीनियर पावर पे तो यहां पे हम बोलेंगे मोशन एस एच एम है कंपेयर करेंगे एफ आर इक्वल्स टू माइनस के वाई से तो जो भी के कांस्टेंट था लीनियर एस एच एम है तो एम ओमेगा स्क्वायर होगा मास कितना हो गया अच्छा के कांस्टेंट कितना हो गया ट्वेंटी मास कितना है मास है फाइव ओमेगा स्क्वायर फोर तो ओमेगा की वैल्यू टू और इसकी यूनिट क्या होगी इसकी यूनिट हो जाएगी रेडियन पर सेकेंड देखो है कि नहीं वहां पर तो यहां से हमें क्या मिल गया यहाँ से मिल गया ओमेगा अब चाहो तो ओमेगा को हम क्या लिख दें ओमेगा को हम लिख दें टू पाए बाय टी तो वन कंप्लीट साइकिल का टाइम पीरियड निकल के आएगा और टाइम पीरियड आएगा कितना पाए सन में सन में तो ये जो पार्टिकल है ये पार्टिकल सिंपल हार्मोनिक मोशन परफॉर्म करेगा जिसका टाइम पीरियड क्या होगा पाए होगा अब क्वेश्चन में क्या बोल रहा है क्वेश्चन में हमें पार्टिकल की पोजीशन और मोमेंटम बताना है कितने टाइम पे बताना है तो बताना है पाए बाय फोर पे बाय फोर का मतलब होता है टी बाय फोर है कि नहीं है वहां पर और हमें हाँ मालूम है एक मीन से एक एक्सट्रीम तक जाने में टाइम कितना लगता है भाई यहां पार्टिकल को छोड़ा जब ये यह पार्टिकल यहां से यहां आता है तो यहां पे अगर टी की वैल्यू जीरो है तो ये टी बाय फोर होता है कि नहीं होता है फिर यहां से यहां तक टी बाई टू फिर थ्री टी बाय फोर फिर अगले दिन क्या होता है टी होता है तो टी बाय फोर की अगर हम बात करेंगे तो उस टाइम पे ये पार्टिकल लेफ्ट की ओर जा रहा होगा इसका मतलब है कि इसका मोमेंटम क्या होना चाहिए नेगेटिव होना चाहिए अब हमें क्या क्या कैलकुलेट करना है हमें एक तो कैलकुलेट करना है इसकी पोजिशन तो एक्स कितना हो गया हाफ तो एक्स हाफ यहां पर दिख रहा है और एक एक्स हाफ यहां पे दिख रहा है हमें मालूम है आगे कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है क्योंकि मालूम है कि जब ये पार्टिकल मीन पोजिशन पे होगा तो वेलॉसिटी मैक्सिमम होगी तो जो मोमेंटम रहेगा मोमेंटम क्या होता है मोमेंटम एम इंटू वी मास क्या हो गया मास हो गया फाइव एम्प्लीट्यूड हाफ ओमेगा की वैल्यू कितनी थी ओमेगा की वैल्यू ओमेगा की वैल्यू थी वहां पे टू तो सॉल्व करोगे तो यहां से वैल्यू आएगी कि नहीं आएगी वहां पे तो वहां से वैल्यू आ जाएगी फाइव तो जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो हमारा होगा वहाँ पे कि जो पोजिशन है वो पॉइंट फाइव है और जो मोमेंटम है वो हमारा क्या है माइनस फाइव के जी मीटर पर सेकेंड है लेकिन अगर मान लो यहीं पे हमने डिफ्रेंशिएट कर लिया है हमें ये चीज़ मालूम चल गई कि मीन पे वेलोसिटी कभी जीरो हो नहीं सकती तो हम आगे कैलकुलेट नहीं करते उसी को टिक करते और आगे बढ़ जाते हैं वहां पर इतना समझ समझ में में आया तो इस तरह से वहां पे जेई एडवांस का पेपर आया है तो अगली क्लिप में या अगले वीडियो में आगे क्वेश्चन को क्या करते हैं डिस्कस करते हैं।